एक बार की बात है, भगवान गणेश और कार्तिकेय भगवान ने भगवान शिव और माता पार्वती जी से पूछा कि आप दोनों को हम दोनों में से अति प्रिय कौन है। तो भगवान शिव ने भी उसका उत्तर दिया कि आप दोनों में से जो भी इस सृष्टि का सबसे पहले राउंड लगाकर, चक्कर लगाकर मेरे पास आएगा, वो मेरे लिए प्रिय होगा। कार्तिकेय भगवान ने फटाफट अपनी दिशा पकड़ी और वो दुनिया का भ्रमण करने के लिए निकल गए। लेकिन गणेश भगवान वही खड़े रहे। जब भगवान शिव और माता पार्वती जी ने पूछा कि पुत्र गणेश, तुम क्यों नहीं जा रहे दुनिया के भ्रमण के लिए, तो गणेश भगवान ने भगवान शिव और माता पार्वती के इर्द गिर्द 7 चक्कर लगाए और बोला कि मेरा संसार, मेरी दुनिया यहीं से शुरू होके यहीं पे ख़त्म होती है। इसका अर्थ ये है कि अगर आप अपने माँ बाप की सच्चे दिल से सेवा करते हैं या अपने माँ बाप को भगवान की तरह पूछते हैं, तो ज़िंदगी में आपके ऊपर कभी कोई संकट नहीं आएगा। अगर आएगा तो खुद साक्षात भगवान शिव आपको प्रोटेक्ट करेंगे। ये हमेशा याद रख के चलें, मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद में बाहर बाद में जाएं, सबसे पहले अपने घर में अपने बुज़ुर्गों की, अपने माता पिता की सेवा करें, उसके बाद आप मंदिर में जाएं। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, दिस इज अमित कपूर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ वीकली प्रेडिक्शन। वीक स्टार्ट हो रहा है 11th मार्च 2024 से लेकर 18th मार्च 2024 तक। सो दोस्तों, जैसे कि मैं अपने नए व्यूवर्स को बता दूं कि मेरी ये जो प्रडिक्शंस हैं आपके असेंडेंस पे बेस्ड पर हैं, आपके सन साइन और आपके मून साइन से मेरी प्रडिक्शन का कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपने असेंडेंस साइन को अपने माइंड में रखें, मेरे वीडियोस को सुने। यू विल डेफिनेटली गेट सम इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू अपकमिंग वीक एंड यू कैन मेक योर लाइफ ईजी एंड बेटर थ्रू वर्शिप एंड चैंटिंग। अब बात करते हैं कैप्रिकॉन असेंडेंस की 11th मार्च और 17th मार्च 2024। मंडे ट्यूसडे थोड़ी सी स्ट्रगल रहेगी, हार्डवर्क आपको करना पड़ेगा, लेकिन उस स्ट्रगल और हार्डवर्क के जो रिटर्न्स हैं वो बड़े अच्छे मिलेंगे। फैमिली से बड़ी अच्छी सपोर्ट मिलने वाली है, स्पाउस से बड़ी अच्छी मंडे ट्यूसडे को सपोर्ट मिलेगी, बिजनेस पार्टनर्स आपको सपोर्ट करेंगे, अचानक कोई बड़ा धन लाभ भी मंडे ट्यूसडे को आपको हो सकता है। लेकिन एफर्ट, हार्डवर्क ये बहुत जबरदस्त है। ईजी इज नॉट पॉसिबल फॉर यू कैप्रिकॉन, बट यू विल गेट गुड सक्सेस, यू विल गेट गुड फाइनेंशियल गेन्स ऑन मंडे ट्यूजडे। वेनेसडे, थर्सडे अगेन यू विल ब्लेस विद फाइनेंशियल गेन्स, योर हेल्थ विल बी फाइन, योर वेल्थ विल बी गुड, एंड यू विल एंजॉय कम्फर्ट। सम शॉर्ट डिसीजंस विल प्रूव वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, यू विल स्पेंड वंडरफुल टाइम विद योर लव्ड वन, एंड यू विल एंजॉय ऑल अराउंड कम्फर्ट्स। यू मे बाई न्यू कार, यू मे इन्वेस्ट योर मनी इन रियल इस्टेट, और यू मे रेनोवेट यूर होम ऑन वेनेसडे, थर्सडे। फ्राइडे, सैटरडे यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ, सम एसिडिटी ट्रबल मे इरीटेट यू, स्टमक रिलेटेड पेन आपको हो सकती है, एसिडिटी प्रॉब्लम आपको हो सकती है, बैक बोन में प्रॉब्लम आपको हो सकती है। फ्राइडे सैटरडे को ऑयली फूड, जंक फूड, मार्केट फूड बिल्कुल ना खाएं, नॉन वेज बिल्कुल ना खाएं, विस्की इनहेंस बिल्कुल ना करें। बी केयरफुल, बी अलर्ट, दिस होल टाइम क्रिएट सम अनबैलेंसिंग सिचुएशन, बट ओवरऑल बाय द ग्रेस ऑफ गॉड कि इस वीक में आपको गेंस बड़े अच्छे हैं, फाइनेंशियल गेंस अच्छे हैं। पहले 4 दिन गुडविल बड़ी अच्छी मेंटेन है, पुराने डेब्ट्स क्लियर करने में आप सक्सेस हो जाएंगे, पुराना लोन चुकता करेंगे, नया लोन लेना चाहते हैं वो मिल जाएगा। फाइनेंस को लेकर कोई दिक्कत इस वीक में नहीं है, इवन यू विल बी इन अ फार फार बेटर पोजिशन इन दिस वीक कंपेयर टू लास्ट फ्यू मंथ्स और वीक। सो यू शुड टेक एडवांटेज ऑफ दिस पॉजिटिव एनर्जी और दिस पॉजिटिव वीक कि आपको काली माता की उपासना जरूर करनी है। वेनेसडे नाइट, सैटरडे नाइट काली माता के टेम्पल में जाएं, मोटी बूंदी के मोतीचूर के लड्डू 1.25 किलो काली माता को भोग लगाएं, काली चालीसा का उच्चारण करें। यू विल सी अ मैजिक, यू विल सी अ मैजिक इन योर प्रोफेशनल लाइफ, यू विल बी ऑन नेक्स्ट लेवल, योर कॉन्फिडेंस लेवल विल बी स्काई हाई। संडे यू विल एंजॉय वंडरफुल टाइम विद योर लव्ड वन, you will spend wonderful time with your spouse, this is a very positive day when you will enjoy comforts, peace of mind, success is store for you, you will plan new things to improve your professional life. Let's talk about Aquarius ascendants. 11th march se 17th march 2024 ki prediction main aapke samne pesh karne ja raha hu. Kumbh lagan agar aapka hai, Aquarius ascendants agar aapka hai, मंडे ट्यूसडे लेन देन के मामलों में दिक्कत आएगी, मेंटल स्ट्रेस आपकी बढ़ेगी, लेकिन पैसे की आवक है उस तरह से नहीं है जैसी आप चाहते हो। नई गाड़ी भी आप बाय कर सकते हो। अब एक तरफ से तो मैं बोल रहा हूँ कि पैसे की आवक है लेकिन उस तरह से नहीं है, आप बोल सकते हैं आपको किसी सिबलिंग की
आपके ब्रदर की, आपके फादर की कोई हेल्प मिले, फाइनेंशियल हेल्प मिले, जिससे कुछ चीज़ें आपकी बेटर हों, लेकिन इनकम को लेकर उस तरह के रिजल्ट्स अभी नहीं हैं जो होने चाहिए। ये सारा समय मंडे ट्यूसडे स्ट्रेस के बाद सक्सेस है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, एफर्ट्स बहुत ज़्यादा है, हार्डवर्क बहुत ज़्यादा है, उसके बाद सक्सेस है। नेबर्स के साथ, दोस्तों के साथ, वाइफ के साथ, स्पाउस के साथ, इन लॉज के साथ, ब्रदर इन लॉ के साथ लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना। जितना ज़्यादा आप रिलेशनशिप को अहमियत देंगे, चीज़ें आपकी बेटरमेंट की ओर जाएंगी। अदरवाइज यू विल फेस लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड यू विल फेस लॉट ऑफ क्रूशियल पीरियड। देखिए, वेनेसडे थर्सडे को रिसोर्सेज डेवलप होंगे, यहाँ पर डेप्स आपके क्लियर होंगे, जो लोन आपने ले रखे हैं वो क्लियर करने में आप सक्षम रहेंगे। वेनेसडे थर्सडे इज अ वेरी पॉजिटिव टाइम व्हेन यू विल ब्लेस्ड विद द गेन्स, यू विल एंजॉय कंफर्ट्स, नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, वेल्थ विल बी अल्टीमेट एंड यू विल गेट सक्सेस। Wednesday, Thursday, you will enjoy comforts. You will spend wonderful time with the spouse. You will spend wonderful time at your workplace. This is a very positive time when you will enjoy name, fame, prosperity. Your health, wealth will be ultimate and you will get success in all aspects of your life. This is a very productive and very positive time for you when you will bless with a lot of financial gains. Friday, Saturday, you need to be careful. Relationship with your spouse will be matter of concern. Don't spend too much money. Kharche ki aur lagam deke chalein. रिश्तों में बैलेंस बना के चलें। स्पाउस के साथ रिश्ते को एक एक पॉजिटिव जोन में लेके चलेंगे तो अच्छा रहेगा। फ्राइडे सैटरडे बहुत ज़्यादा अलर्ट और केयरफुल होके चलना है आपने। ये टाइम आपके लिए स्पाउस को लेके, फ्रेंड्स को लेके, वेल विशर को लेकर अच्छा नहीं है कि आप कौन के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है। आपकी बिहेवियर की वजह से, आपके वर्स्ट बिहेवियर की वजह से आप खुद अपने रिश्ते एक्वेरियस खराब कर लेंगे, तो वो ना होने दें। बस अपने काम की ओर फोकस करें, भगवान का शुक्र मनाते जाएं, जो आपको मिल रहा है बड़ा अच्छा मिल रहा है, सेटिस्फाई रहेंगे तो चीज़ें अच्छी होंगी। अब बात करते हैं पाइसेस सैंडस की 11th मार्च टू 17th मार्च के बीच में। देखिए, मंडे ट्यूसडे लीगल मैटर्स में आप इन्वॉल्व होंगे, मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होगी, खर्चा स्काई हाई रहेगा, एक तरफ से पैसा आ रहा है, दूसरी तरफ से वेस्टेज ऑफ मनी हो रही है, कोर्ट कचहरी, पुलिस, लीगल मैटर में आप इन्वॉल्व हैं, हेल्थ इश्यूज आपके अराइज हो सकते हैं, स्पाउस के साथ डिस्प्यूट हो सकता है। वेनेसडे थर्सडे फादर की सपोर्ट आपको मिलेगी, फादर की ब्लेसिंग के साथ आपके कोई रुके हुए काम बनेंगे, फादर की ब्लेसिंग के साथ आपके पेंडिंग वर्क क्लिक होंगे और आप लीगल मैटर से बाहर आने के जो एफर्ट्स कर रहे हैं उसमें 10-20% आपको कामयाबी मिलेगी। बट ओवरऑल ज़्यादा पॉजिटिव पहले चार दिन इस सप्ताह के नहीं है। मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे बहुत ज़्यादा पैसा आपका खर्च होगा, पैसे की आवक रहेगी लेकिन वेस्टेज ऑफ मनी बहुत ज़्यादा है। कोई एक ऐसा खर्चा जो बेकार का पैसा खर्च कर रहे हैं आप लीगल मैटर्स पे या कोर्ट कचहरी, पुलिस पे, हेल्थ इश्यूज पे। फ्राइडे सैटरडे आपको कोई प्रोफेशनली गुड न्यूज़ मिलेगी, कुछ स्मॉल स्मॉल फाइनेंशियल गेन्स होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव टाइम अभी मैं नहीं कहूँगा। हाँ, जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, फॉरेन जाना चाहते हैं, फॉरेन इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, उनके लिए कोई फॉरेन ट्रांजैक्शंस फ्राइडे सैटरडे को आपको कुछ लाभांशित करेंगी। विदेश यात्रा से संबंधित कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। माइग्रेट होना चाहते हैं, PR लेना चाहते हैं, वर्क वीज़ा लेना चाहते हैं, तो ये वीक, खास करके सेकेंड पार्ट ऑफ द वीक, फ्राइडे सैटरडे आपके लिए अल्टीमेट है। अदरवाइज अगर आप डोमेस्टिक मार्केट में डील करते हो, हैसल्स, चैलेंज और खर्चे की वजह से चीज़ों में बैलेंस ना बना पाएंगे। विष्णु भगवान की उपासना करें। थर्सडे वाले दिन 1.25 किलो पीले चावल, मीठे पीले चावल बना के विष्णु भगवान को भोग लगाकर गरीब लोगों में बांटें। थर्सडे वाले दिन चैरिटी करें। सैटरडे वाले दिन मेडिकल हेल्प किसी को प्रोवाइड करें। सो स्टे कूल मैन, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू फॉर योर लव एंड नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद।